नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबीएन 24 न्यूज। आपके साथ मैं हुराशी। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। बालामऊ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत लखनऊ हरदोई नेशनल हाईवे के किनारे फौजी ढाबे पर एक चौपाल आयोजित की गई। इसमें विधानसभा बालामऊ 160 की निर्दलीय महिला प्रत्याशी के रूप में प्रधान सुशीला पासी की घोषणा जननेता पीके वर्मा ने की। महिला प्रत्याशी सुशीला पासी ने बताया कि क्षेत्र में शिक्षा स्वास्थ्य आधी आबादी महिलाओं को बराबरी का दर्जा, क्षेत्र की जर्जर सड़कों जीर्णोद्धार करना, युवाओं व महिलाओं को रोजगार दिलाना, छुट्टा गोवंशों व आम नागरिकों को उत्पीड़न व भ्रष्टाचार से निजात दिलाने आदि मुद्दों को लेकर संघर्ष करेगी। वह सदैव लोगों के संघर्ष में कदम से कदम मिलाकर खड़ी हैं। इस चौपाल में सामाजिक कार्यकर्ता देवदत्त कौरी ने क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं के बारे में विस्तार से बताया। लोगों ने अपने जनप्रतिनिधियों से सवाल करने की बात कही। वह किसान बाबूराम निवासी कोडरी लोनहारा ने अपने गांव की ज्वलंत समस्या ग्राम कोडरी से सेदपुर संपर्क मार्ग का मुद्दा उठाया। यह मार्ग कई वर्षों से क्षतिग्रस्त है। बरसात के समय ग्रामीणों का आवागमन बिल्कुल बंद हो जाता है। मार्ग की पुलिया ऊंची होने के कारण हमेशा जल भराव रहता है, जिसमें गांव का एक लड़के की डूबने की मृत्यु भी हो गई जिसमें गांव के ही एक लड़के के डूबने से उसकी मृत्यु भी हो चुकी है। गांव में दलित बाहुल्य आबादी होने के कारण किसी जनप्रतिनिधि ने अभी तक ध्यान देना मुनासिब नहीं समझा। डॉक्टर ए के पासवान ने बताया कि क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल है। ग्रामीणों को बेहतर इलाज न मिलने के कारण मृत्यु हो जाती है। ग्राम प्रधान सुशीला पासी द्वारा लोगों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए लगातार कैंप लगवाकर सेवा की जा रही है। जिला पंचायत सदस्य रजनी पासी ने बताया कि आप सभी के प्यार व स्नेह से आप सभी ने जिला पंचायत सदस्य चुनकर भेजा है। हम क्षेत्र के विकास के लिए सदैव प्रयासरत हैं। प्रभा रावत निवासी बहेंदर ने बताया कि आधी आबादी महिलाओं को मजबूत करने के लिए आप लोगों को महिला प्रत्याशी को चुनकर विधानसभा के सदन में भेजने का कार्य करें।